Us. Next speaker. Respected Chairman Sahab, सदन में बैठे सदस्यगण, अपने विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद साहब आधे घंटे से ज़्यादा बोल रहे थे और बोलते हुए सारी चीज़ एक ही चीज़ पर फोकस थी कि प्राइम मिनिस्टर सदन में क्यों नहीं आए। ज़्यादा अच्छा होता। हम कहते हैं कश्मीर पे चर्चा, कश्मीर, कश्मीर इशू क्या है, कश्मीर बात क्या है, कश्मीर पे कैसे बोलना चाहिए, कश्मीर में क्या होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता। मैं भी, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी और डॉक्टर करण सिंह जी भी, हम तीनों जम्मू रीजन के रहने वाले हैं और जम्मू की बात किए बिना कश्मीर की बात कैसे कर सकते हैं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर, कश्मीर इश्यू पूरे देश में चलाया जाता है, अगर इंटायर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीन अलग अलग रीजन्स हैं। तीनों का अलग अलग कल्चर है, तीनों को मिलाकर पूरा जम्मू कश्मीर बनता है। अगर हम जम्मू की बात ना कहें, केवल कश्मीर की बात कहें, तो लद्दाख अधूरा रह जाएगा, कश्मीर अधूरा रह जाएगा। अगर जम्मू में ट्रमाइल किसी किस्म का होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू एक ऐसा एरिया है कि जहां 500 किलोमीटर से ज्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तानी हर दिन, नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई वहां पे वारदात करता रहता है, लेकिन वहां पे रहने वाला व्यक्ति, वहां के रहने वाले लोग, वहां का रहने वाला समाज किस प्रकार पहरेदारी वहां पे करता है और कैसे जम्मू और कश्मीर को बचाने का प्रयास करता है। हम सोचें कि कई बार जहां पे चर्चा हाउस में होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की वजह से कश्मीर का हालात हो रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 55% लोग जो हैं वो जम्मू में बसते हैं और वहां का नौजवान आज भी 7 लाख से ऊपर नौजवान जम्मू रीजन का होगा जो अनएम्प्लॉयड होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर बैठा होगा। क्या वो गन नहीं उठा सकते थे? क्या वो आजादी का नारा नहीं दे सकते थे? जहां लड़ाई केवल मात्र जम्मू कश्मीर और उसकी नहीं है, राष्ट्रवाद और अलगाववाद की है। राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोचनी चाहिए? लद्दाख में जिनके हजारों लोग हैं, हम यहां हजारों हमारे नौजवान होंगे, वहां के नौजवान इस प्रकार के विचार नहीं करते? उन्होंने हमेशा डिमांड की होगी हमें जूनियर टेरिटरी दी जाए, और जब से देश आजाद हुआ तब से ये बातें हो रही हैं। उनको आजादी जिनकी जैसे जूनियर टेरिटरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो देश के साथ जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत सारे मित्र, हम जब भी बात करते होंगे जम्मू कश्मीर, केवल कश्मीर कहते हैं, कश्मीर जाना है, जम्मू के बारे में अनविज्ञ होंगे, जम्मू क्या है, लद्दाख क्या है, उसके बारे में जानते बहुत कम होंगे। पहले हमें जम्मू और लद्दाख को भी जानना पड़ेगा। आज जो टर्माइल कश्मीर या कश्मीरियों के साथ हमदर्दी है, हमें दुख है जो कुछ हो रहा है, उसको संभालने की जरूरत है, लेकिन कश्मीर का सारा लोग कहें, वहां पे जिनके 50 लाख के लगभग लोग रहते हैं, वो सारे के सारे इस प्रकार के वारदातें करते होंगे? अगर इस प्रकार की होती तो 61% वोट जो पड़ा है, लोकतंत्र पे जिन्होंने विश्वास रखा है, वो उसमें हिस्सा ना लेते। उन्होंने हिस्सा लिया है इस देश के साथ जुड़ने का, वो
वो देश के साथ जुड़े हैं, देश के साथ चले हैं और उन्होंने डेमोक्रेसी पर विश्वास किया है, इसलिए यानी कि वो आज कुछ लोगों की इस प्रकार की आंख है, किस प्रकार की नजर है, ये सब कैसे हो गया। हम नहीं चाहते थे इस प्रकार का हो, हम नहीं चाहते थे ये सारी चीजें हों। आज कश्मीर की वारदातें रहती हैं, आप सब जानते होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, या साहब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, डोडा में जन के बहुत बड़ा टर्मायल हुआ था और डोडा के लिए 1994 में बहुत बड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सत्याग्रह हुआ था, वहां कंटोनमेंट बननी चाहिए और वहां के लोगों को, नौजवानों को बीडीसी विलेज डिफेंस कमेटीज बनाकर लोकल लोगों को कहा गया कि इस उग्रवाद और आतंकवाद के साथ लड़ो। जब तक वहां का लोकल व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय समाज खड़ा नहीं होगा वहां के समाज के साथ, जिनके इस प्रकार की वारदातों से दूर नहीं हुआ जा सकता। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जो लोग आए हैं, अपने लोग हैं, वो कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं। वे तो शहादत दे ही रहे हैं, जिस प्रकार इंटायर पूरा इंडिया, पूरा भारत, भारत का समाज कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ हमदर्दी रखता है। इस हमदर्दी की वजह से जम्मू कश्मीर अपने साथ लगा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ हम कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, कभी खिलवाड़ होते हुए देख भी नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि वहां पे नित प्रतिदिन ऐसे अलगाववादी नेता, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता, लश्करे तोबा के नेता, जिनकी जन के पूरी आस्था आस्था दूसरे स्थानों से है, दूसरी जगह से जन के प्रेरणा लेकर वो कार्य कर रहे हैं, क्या वो अपनी प्रेरणा को चलते हुए समाज को, जन के इस देश को अपना जोड़ने देंगे? मैं तो चाहता हूं ये हाउस बैठकर सब विचार करे, सब सोचे, ये जो आज टर्माइल खड़ा हुआ है, उस टर्माइल का उसका कारण क्या है, उसके रिकियों में जाने का प्रयास करें। जम्मू कश्मीर आज से नहीं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हमारे महाराजा अधिराज डॉक्टर करण सिंह जी जहां बैठे हैं, पूरा देश जब गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 15 अगस्त को जब आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर कभी गुलाम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर गुलाम नहीं था उससे पहले, वहां महाराजा हरि सिंह जी की हुकूमत थी, जो डॉक्टर साहब के पिताश्री थे, और उन्होंने वहां के समाज को किस प्रकार एक माला में पिरोकर रखा, कैसे पूरे समाज को साथ चलाने का प्रयास किया, कैसे वहां पे डेवलपमेंट हो, उस प्रकार का विचार किया। आज हम छुआछूत का मुद्दा लेकर कई बार चलते हैं, सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने एक यानी कि दलित व्यक्ति को लेकर मंदिर में जाकर कहा कि तुम पूजा मेरे साथ करो, वहां के पुजारी ने कहा मैं नहीं आने दूंगा, वहां के पुजारी ने कहा मैं ऐसे नहीं आने दूंगा, उन्होंने कहा मैं पुजारी को उठाकर बाहर फेंक सकता हूं, लेकिन यह दलित मेरे साथ पूजा करने के लिए जाएगा। ये वो धरती है जम्मू कश्मीर, जम्मू का समाज इस प्रकार का, हमारे महाराजा से यह प्रेरणा हमें मिलती है। वहां आज जाओगे कभी छुआछूत आपको दिखती नहीं, दिखेगी नहीं। कारण क्या है कि जिस प्रकार का संस्कार और संस्कारों से जुड़ा हुआ वहां का समाज, वो समाज आज जीवता है, संस्कार समाज कभी ये नहीं चाहेगा कि हम अलग हों। आज कश्मीर की बात करें, मैं अजाज साहब अच्छी प्रकार जानते होंगे, वहां गुज्जर बकरवाल होंगे, वहां कोई लड़ाई नहीं, वहां पे यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कोई लड़ाई नहीं, चंद खित्ते में थोड़ा सा समाज, थोड़े से बंधु, चंद लोग जो हैं इस लड़ाई को लड़ना चाहते, इस लड़ाई को करना चाहते हैं, वह भी अलगाववादियों के हाथों जो खेल रहे हैं। वो खेलने के वजह से आज अगर पूछा जाए कश्मीर अगर जाओगे आप सड़कों पर, कभी आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, वह पत्थर आते कहां से हैं, पत्थर लाने वाले कौन व्यक्ति हैं, और उन बच्चों को पत्थर देने वाले कौन व्यक्ति हैं,
मैं कहता हूं कि जिस प्रकार के वहां यानी कि हजारों रुपया ट्रालियों द्वारा ट्रकों द्वारा दिया जाता है, रात को आप पत्थर फेंक दो और सुबह आकर बच्चों को कहते हैं ऐसे जे पत्थर उठा लो। लेकिन उन अलगाववादी नेताओं से एक बार तो पूछा जाए, जिन बच्चों के हाथ में यानी कि आज किताब चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में आज लैपटॉप चाहिए, जिन बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बनना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिन बच्चों का भविष्य बनना चाहिए कि उसका कैरियर इनके खड़ा करने के लिए वो आने वाले समय में अपने आप का निर्माण कर सके, वो निर्माण नहीं कर पा रहे। ये हमें चिंता का विषय होना चाहिए कि उन बच्चों को कैसे संभाला जाए। लेकिन जब चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ने के बाद वहां पर लगता है कि किस प्रकार का मंशा और किस प्रकार की सोच नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, इस सोच को सारा समझना पड़ेगा। और 1947 से लेकर आज तक सारा लेखा जोखा जब देखा जाए, जे आज जे सलाहुद्दीन है बहुत बड़ा इनके नेता बना हुआ है, वह कश्मीर से उठकर इनके वहां पे गया था। शायद एजाज साहब जानते होंगे कि 1987 में उसने कश्मीर में से चुनाव लड़ा था, वह केवल क्लीन शेव था, लेकिन वो हार गया था। हारने के बाद उसके मन में कैसे आया, क्यों हारा, वो उसके पीछे बहुत बड़ी दास्ता है, उस सच्चाई को मैं खोलना नहीं चाहता। ये उग्रवाद पनपा तो पनपा क्यों, ये अलगाववादी नेता आगे बढ़े तो बढ़े क्यों, उसके कारण को खोजना पड़ेगा। और कश्मीर को जन के आज जिस प्रकार की दलदल में फेंका गया, कश्मीर को जिस प्रकार का आज बनाया जा रहा है, मैं बंधु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए जब भी आप विचार करो कश्मीर, वह केवल कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जब से यह सरकार आई है, सबसे पहले आपने अगर देखा होगा तो वातावरण बिल्कुल शांत था, महरूम हमारे मुफ्ती साहब वहां इसका नेतृत्व कर रहे थे जहां वहां के मुख्यमंत्री थे, और उनकी मंशा हमेशा यह रही है कि देश का अपने जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर के समाज का उत्थान कैसे हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भलाई कैसे हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कैरियर कैसे बना सकते हो, इस प्रकार की सोच महरूम मुफ्ती साहब में थी। वो कहते थे मैं हमेशा कि जब भी मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलता हूँ तो मुझे हर प्रकार की प्रेरणा देते हुए वह सब कुछ मिलता था जो मैं मांगता था। वो वहां के मुख्यमंत्री थे और वो जहां पे प्रधानमंत्री थे अटल जी, और उस समय उन्होंने विकास के राह जो चुनी, और अटल जी ने जो कहा इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत, तीनों को लेकर पूरा कश्मीर अवाम जो है वो उसके साथ खुश था। वही जन की आवाज आज भी हम लेकर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी बोले या सदन में नहीं बोले, कम से कम उन्होंने कहा है कि मैं वही आवाज वही मंशा वही इच्छा और वही इच्छा शक्ति इसके साथ चल रहा हूं जो अटल जी ने हमें दिखाई थी। अटल जी की राह पे मैं चले जा रहा हूं, और वहां के समाज को जिस प्रकार की भी जरूरत होगी, वहां के समाज को जैसे भी मुझे बचाना होगा वह बचाने का प्रयास करूंगा। किंतु क्या हो रहा है कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे कारनामे हो रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसी वारदातें हो रही हैं, उन वारदातों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हमने जब से जन के सरकार संभाली है पिछले 2 वर्षों में, वहां पे 2 एम्स जन के दिए गए हैं जिसके लिए संघर्ष, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी जन के कांग्रेस के समय थी, लेकिन बहुत बड़ा संघर्ष जम्मू वालों ने करना पड़ा था और जिसकी वजह से मिला था। और अभी भी IIT परसों ही हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी वहां गए थे, और खासकर 100 करोड़ कश्मीर के यानी कि IIT कॉलेज के लिए स्पेशल पैकेज देकर आए हैं। हम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं सोचते, कश्मीर के उत्थान के बारे में क्यों नहीं सोचते, IIIM बनने जा रहा है। और शायद आपको मालूम है, आप सब जानते हैं, सामने मेरे मित्र जन के हमारे बंधु वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उनके समय से शायद होगा सोरावदी का यानी कि मेडिकल कॉलेज वहां खुला है। उस समय एम्स दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उसकी तर्ज पर जैसे PGI चंडीगढ़
और दूसरा सोहरावर्दी इंस्टीट्यूट खोला गया था वहां पर। वहां पर विकास की राह चली है, क्यों नहीं चली, किंतु ये बात असत्य है। वो क्या है कि जिस प्रकार आज मैं कभी भी जो सोचता हूँ, कभी बात होती है, चर्चा होती है यहाँ के नौ लोगों के साथ, वो कहते हैं वहाँ के लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए से सारी वारदातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लद्दाख और जम्मू के लोग भी इस प्रकार फिर क्यों नहीं आवाज उठाते, जो जम्मू को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निषार कर रहे हैं। और खासकर जम्मू में हमारे जन के फौजियों द्वारा जिस प्रकार शहादत दी गई, केवल फौजी ही नहीं, सीआरपी बीएसएफ ने शहादत दी, वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ के पुलिस ऑफिसरों ने, पुलिस के जन के जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हजारों के हिसाब से लोगों ने शहादत देकर इस जम्मू को बचाने का प्रयास किया हो। इस प्रकार का प्रयास एक बार नहीं, अनेकों बार चलता रहेगा, और जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, उसके लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। अनेकों अभी 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ के घोषित हुआ था, 34,000 करोड़ रुपये जन के नेशनल हाईवे के लिए वहाँ पे दिया गया था। और खासकर मैं आपको एक और बात बताना देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्टेटों को जिनके सहायता दी जाती है, 14.3% जम्मू कश्मीर को दी गई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर ठीक प्रकार से चले, जम्मू का आवाम को ठीक प्रकार से सुविधा मिल सके, इन सुविधाओं को मिलने के लिए हर प्रकार का प्रयास हो रहा है। और हमारा हमेशा हमारी सरकार द्वारा कई इनके योजनाएं वहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं एक बात आपसे अवश्य पूछना चाहूँगा, क्या मेरे मित्र वहाँ पे बैठे हुए हैं सामने, 1947 से पहले जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, आज तक उनको नागरिकता जम्मू कश्मीर में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ना तो वो जम्मू कश्मीर के बशिंदे बन पाए, ना वो भारत के बन पाए, ना वहाँ पे नौकरी ले सकते हैं, ना वो कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ना स्कूल में पढ़ सकते हैं। वह स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है, बताइए आपके पास है या नहीं है? इस मुद्दे को हल आज तक क्यों नहीं किया गया, जबकि 29 साल 73 दिन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार चलाई और 25 साल कांग्रेस मित्रों ने अपने सहयोगियों के साथ सरकार चलाई होगी। इन 54 वर्षों में क्या किया गया ये आप सब जानते हैं। उन 54 वर्षों में इसका हल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं करने का प्रयास किया गया? अलगाववादियों और राष्ट्रवादियों के बीच में कैसे फर्क नहीं निकाला गया, और कई बार बैठकर समझौते किए गए, उन समझौतों की वजह से क्यों नहीं सारी बातें हल हुई, ये हल होनी चाहिए थी। इसलिए मित्रों आपसे मैं अंत में इतना ही कहूंगा, कश्मीर पे चर्चा करते हुए केवल कश्मीर में चंद लोग बैठे हुए हैं, कश्मीर सारा जल नहीं रहा, कश्मीर में सारा आवाम खतरे में नहीं है। मैं जैसे कहा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी आज भी सुरक्षित और ठीक प्रकार से चल रहा है, केवल कश्मीर में बैठे हुए कुछ चंद लोग हैं जो अलगाववादियों के इशारे पर चल रहे हैं। उनके इशारों पर चलते हुए देश का इनके वो सारा सामने आ रहा है। और इसलिए आपके द्वारा ही शायद कई बार पहले इनके साधारण टीयर गैस चलती थी, उसके बाद जिनके रबड़ की जिनके बुलेट होते थे वो चलते हैं, अब पैलेट गन का। जैसे जैसे समय आधुनिक युग आता जाएगा वैसे वैसे उस प्रकार का होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो हुआ है उसके लिए मैं खुद दर्द महसूस करता हूँ। कश्मीरी भाई मेरे अपने हैं क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, कश्मीर अपना है क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। इसलिए भारत माँ का मुकुटमणि है, और उस माँ के मुकुटमणि को कोई भी निषेधन के खराब करे जो मैं कदापि सहन नहीं करता। इसलिए उसके लिए अपने जन के जम्मू कश्मीर की ओर से और खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसलिए हम बला करने के लिए हर समय तत्पर हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब भी मिलजुल कर बैठ कर इस कश्मीर समस्या का सुलझाने का प्रयास करें। इतना मुझे कहना है। थैंक यू।